कच्चे टमाटर धो के काट लेंगे। पैन में एक चम्मच धनिया, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच राई और एक चम्मच जीरा, इसको हल्का सा गर्म होने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि कूटने में आसानी हो। एक चम्मच तेल कढ़ाई में डालेंगे, हल्का तेल गर्म हो जाएगा तभी जो कूटा हुआ मसाला ये डालेंगे और इसको थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। थोड़ी सी हींग, एकदम गर्म तेल में मत मसाला डाल देना, हल्का गर्म रहेगा तभी, नहीं तो मसाला तुरंत जल जाएगा। एक कांदा, कुछ देर इसको तेल में पका लेंगे, तब तक जब तक कांदा पक रहा है तब तक हम दूसरा मसाला पीस लेंगे। एक हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच के करीब अदरक, इसको भी कूट लेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट जो अभी हमने कूटा। आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं या फिर आपके पास होगा रेडीमेड तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी कुछ देर इसको पका लेंगे। मुझे लगा थोड़ा तेल कम है इसलिए मैंने 1/2 चम्मच और तेल डाल दिया इसमें और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा देर ही पकाना है उसका कच्चापन चला जाए तब तक। जो कटा हुआ टमाटर है वो मिक्स करके थोड़ा देर चला लेंगे और फिर बाद में हम बाकी सूखे मसाले भी इसमें मिलाएंगे। एक चम्मच नमक, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर। अब सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसको ढक के भाप से पकने देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं, नहीं तो टमाटर तो भाप से गल जाएगा, पक जाता है मतलब, लेकिन नहीं पके तो आप थोड़ा सा पानी मिला लेना, आधा कप से भी कम। गैस की फ्लेम धीमी करके इसको ढक के हम पकने देंगे और बीच बीच में खोल के चेक करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, नहीं तो टमाटर तले में लग जाएगा कढ़ाई के, जल जाएगा मतलब। अब टमाटर पक गए हैं, थोड़ी धनिया डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि धनिया उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर बाद में ऊपर से थोड़ा सा धनिया डालेंगे।